ये समस्या जो है पिछले वर्ष भी काफी गंभीर रूप से राजस्थान में देखने को मिली थी, और पिछले वर्ष केवल बॉर्डर एरिया के 12 जिलों में मुख्यतः इसका प्रभाव था। परंतु इस बार जो मैंने पहली स्लाइड में बताया कि इस बार क्या है, ये जो समस्या है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, और इस बार जो इनके मेन ब्रीडिंग सेंटर्स हैं अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, वहां पर किडनी की ब्रीडिंग काफी ज्यादा मात्रा में हुई है। तो इस बार समस्या जो पिछले वर्ष के तुलना में कहीं ज्यादा होने वाली है। और लास्ट टाइम जो है मई जून में टिड्डी की प्रॉब्लम प्रारंभ हुई थी, बट इस बार 11 अप्रैल से ही पाकिस्तान से टिड्डी का आगमन देश में चालू हो गया, और अभी तक 20 जिलों में करीब 96,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टिड्डी का प्रभाव देखने को मिला है। तो जो जिले गत वर्ष प्रभावित नहीं थे, इस बार उनमें भी टिड्डी की समस्या देखने को मिल रही है, और अभी यहाँ से अन्य राज्यों में भी टिड्डी का प्रसार हुआ है। इसका मुख्य कारण एक तो ये है कि इस समय जो ये टाइम है, इस समय तो डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा ग्रीनरी नहीं है, और साथ ही बहुत तेज हवाएं चलने के कारण टिड्डी का मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, और छोटे छोटे स्वाम्प्स में डिवाइड होकर टिड्डी भिन्न भिन्न जिलों में जा रही है। आज की तारीख में भी छोटे छोटे दल गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में हैं, और ये बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले में इनका मूवमेंट बहुत फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल शाम को जो जयपुर में देखा जाता है, वो अगले दिन दौसा पहुंच जाता है, दौसा से फिर यूपी साइड हो जाता है, और जिस इस तरह से हवा का रुख रह रहा है, उस तरह से टिड्डी का मूवमेंट पूरे राज्य में समय हो रहा है। नेक्स्ट, टिड्डी नियंत्रण का मुख्यतः कार्य जो है भारत सरकार की टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा किया जाता है, जिसका जोधपुर में मुख्यालय है, क्योंकि मुख्यतः ये प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान से बॉर्डरिंग एरियाज में है। और हमने कृषि विभाग ने और टिड्डी चेतावनी संगठन ने मिलकर इस साल टिड्डी के नियंत्रण के लिए काफी सारी व्यवस्थाएं की हैं। टिड्डी नियंत्रण संगठन की 54 स्प्रेयर मशीनें अभी कार्य कर रही हैं, अगले महीने में 30 और आएंगी, और उससे अगले महीने 30 और आएंगी, तो लगभग जुलाई के अंत तक करीब 100 से ज्यादा मशीनें टिड्डी संगठन की हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त हम लोग प्राइवेट सेक्टर से स्प्रेयर्स और ट्रैक्टर्स को किराए पर लेकर भी कार्य कर रहे हैं, तो अभी 800 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स कार्यरत हैं, और अभी 2000 और इसमें जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस महीने में। जिला स्तर पे जिला कलेक्टरों ने, जहां पर बहुत ऊंचाई पर टिड्डियां बैठ जाती हैं और ये ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर से और जो मैक्रॉन की मशीन है टिड्डी संगठन की, उससे काम नहीं हो पाता है, तो वहां पर फायर ब्रिगेड को भी डिप्लॉय किया है, और अभी आपको भारत सरकार से ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट की परमिशन भी मिली है, और पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों ने कुछ स्थानों पर जहाँ पर हमारे व्हीकल्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करना प्रारंभ किया है। इसमें कृषकों को 100% फ्री जो है पेस्टिसाइड उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वो अपने साधनों से भी टिड्डी के नियंत्रण में सरकार के साथ कार्य कर सके। इसमें मुख्यतः क्या है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इनका मूवमेंट इतना फास्ट है कि व्हीकल से इनको ट्रैक करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसमें जन सहयोग और कृषकों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। पिछली बार भी किसानों के साथ मिलकर भारत सरकार के टिड्डी संगठन और राज्य सरकार ने बहुत इफेक्टिवली इसको कंट्रोल किया था। तो इसमें तो प्राइवेट सेक्टर में जो वाहन है और स्प्रेयर्स उपलब्ध हैं, उनको हमारे समय पर उपलब्ध करा दें, किराए की व्यवस्था की हुई, उसकी दरें भी निर्धारित की हुई हैं। साथ ही क्या है कि रात में जहां पर ये टिड्डी पड़ाव डालती है और रात में ये कार्य होता है, तो उसमें अगर जन सहयोग मिलता है और उनके सही समय पर सूचना मिल जाती है, तो उसका इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। और किसानों की भागीदारी और ग्राम पंचायतों की भागीदारी की भी इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को जरूरत है, खासतौर से रेवेन्यू मशीनरी भी इसमें डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के कार्य कर रही है। कलेक्टर्स के स्तर से क्या है, एक हम लोगों ने जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाई हुई है कलेक्टर की अध्यक्षता में, उसकी प्रतिदिन मीटिंग करके और वहां पर जहां पर भी टिड्डियों का प्रकोप है उसको कंट्रोल करने के लिए डेली स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है। मैं काफी जिले जो बॉर्डर के हैं वो तो बहुत रेगुलरली इस काम को कर रहे हैं, परंतु चूंकि अब अन्य जिलों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो वहां भी इसके इफेक्टिवली किए जाने की आवश्यकता है। और चूंकि इनका मूवमेंट बहुत फास्ट है, तो एक जिले से जब दूसरे जिले में मूवमेंट होता है, तो जाने वाले जिले में सभी समय पर जानकारी देने पर उस जिले में इसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन्फॉर्मेशन के डिसेमिनेशन की भी बहुत इसमें स्विफ्टली करने की जरूरत है, और इसके लिए हमने एक ग्रुप भी बना रखा है जिसमें लगातार इनका मूवमेंट हमको पता चलता रहता है कि किस जिले से कौन से जिले में जा रही है, और फिर वहां पर हम लोग एडवांस में टीमें भेज के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। खरीफ में इस बार 158 लाख हेक्टेयर पर बुवाई की हमारी योजना है, इसके लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। केवल सोयाबीन का जो बीज है उसमें, क्योंकि लास्ट ईयर उसकी पैदावार बहुत कम हो गई थी, बरसात के कारण काफी सारी फसल सोयाबीन की खराब हो गई थी, तो उसमें बीज की उपलब्धता में कुछ कमी है। तो हमने हमारे फील्ड मशीनरी के और सभी अधिकारियों को कहा कि जो सोयाबीन के एरिया है उनको या तो मक्का में या अन्य फसलों में, समान फसलों में उसको थोड़ा डाइवर्ट करें, नहीं तो सोयाबीन के बीज में
की उपलब्धता में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो वो एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बाकी अपने स्तर से हम लोगों ने प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर से ही बीज प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य बीजों की कोई समस्या नहीं है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोविड के देखते हुए एक 22 जिलों में 10 लाख लघु सीमांत कृषकों को बाजरे की डेडिकेट उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसका 15 जून से चूंकि फसलों की बुवाई का कार्य चालू होगा तो इसका वितरण का काम चालू हो जाएगा, इसके लिए समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इन और मक्का के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 5 लाख किसानों को मिनी किट देने का है। और इन दोनों योजनाओं के लाभार्थी के चयन के लिए जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई जो लाभार्थियों का चयन कर रही है, और वितरण का कार्य भी ग्राम पंचायत के माध्यम से इसमें किया जाएगा। ये कार्य लगभग सभी पंचायतों में चल रहा है, जहां जिन जिलों में कार्य होना है, तो इसको भी अगर ग्राम पंचायत के सरपंच साहिबान समय पर कर लेंगे और इसको फेयर तरीके से चयन हो जाएगा तो बड़ी मात्रा में किसानों को हम लोग इसका लाभ दे पाएंगे।